नहीं बची है तो अब क्या हो गया? लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है बात करने के लिए। मेरे एक भाई का घर चल गया है, दूसरा भाई मिल नहीं रहा है, मैं यहाँ तुमसे किस बारे में बात करूँ? हाँ औलाद निहाल को कुछ करेगा तो नहीं? ये कैसी बात कर दी तुमने? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे भाई को गुस्सा आता है, लेकिन लड़कियों की वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मुझे भी यही लगता है, जिस तरह उसने कल रात मुझसे बात की थी भरोसा कर सकता हूँ। एक मिनट, उसने तुमसे कोई बात की थी क्या? बहुत सारी बातें की। मजाक नहीं करो, बताओ मुझे क्या बात हुई। उसने कहा कि डेफने को अपसेट मत करो तुम। हाँ हाँ? कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मुझसे अलग होके तुम उदास रहती हो और ये चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ चुकी हूँ, अब मजीद माफी भी नहीं मांगूंगी तुमसे। तुम उम्मीद भी मत रखो। हाँ मुमकिन है ये सब बातें वो तुम्हें बताना भूल गए होंगे। चलो हटो यहाँ से। डेफने, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा सकती तुम। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, डेफने ने बताया मुझे, लेकिन क्या लगता है कि डेफने की जिंदगी भी आसान होगी? कहना क्या चाहते हो तुम? उसकी मां नहीं है, दादी के यहां पली बड़ी है। उसने अपना सारा बचपन और जवानी तीन साइको भाइयों के दरमियान गुजार दिया। हम में से किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया और फिर तुमने भी उसे कबूल नहीं किया। मैंने भी तो तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ किया। मैं दादी जान को देखकर आती हूँ। डेफने यार,